खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों हुए पंचायत चुनाव को लेकर बैलेट पेपर लूटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने चुनाव के दौरान ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 आरोपी फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने बैलेट पेपर लूटने वाले 2 आरोपियों को घेराबंदी कर चौराहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान आरक्षक द्वारिका पटेल के नेतृत्व में सौरभ सिंह और रोहित सिंह को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत पड़िया में कुछ आरोपियों द्वारा उदंडतापूर्वक कार्य किया गया था, बैलेट फाड़ दिए गए थे। उस पर थाना में अपराध पंजीबद्ध था। 2 आरोपी मौके से तत्काल अपने गिरफ्तार कर लिए थे, 2 आरोपी फरार थे। तो कल पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खैरा बस्ती के पास भटक रहे हैं, देखे गए हैं। तो थाने का पुलिस स्टाफ, जिसमें प्रधान आरक्षक द्वारिका और अन्य स्टाफ ने उनका पीछा किया और उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रोहित सिंह और सौरभ सिंह हैं, जिनको गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहाँ से वो जेल चले गए हैं।